हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माई सेल्फ प्रवीण यादव, वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन सी एस सी एंड बी सी डिपार्टमेंट इन सेंट एंड्रयूज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ वी राइट डाटा फ्रॉम अ मेन मेमोरी टू द कैशे, दैट मीन्स राइटिंग इन टू कैशे एंड कैशे इनिशियलाइजेशन। So first we are going to discuss cache is a technique of storing a copy of data temporarily in rapidly accessible storage memory। हम कैश के बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, वैसे भी थोड़ा सा और यहाँ पे एक बार डिस्क्राइब कर देते हैं क्या कुछ हमने अभी तक डिस्कस किया है। बेसिकली कैश के अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो डाटा हमारे प्रोसेसर को रेंडमली चाहिएगा या फ्रीक्वेंट वे में चाहिएगा, हम बोले कि फ्रीक्वेंट वे में जो डाटा चाहिएगा उस डाटा को हम लोग मेन मेमोरी से उठा के अपने कैश के अंदर हमारा प्रोसेसर स्टोर करा लेता, सो डेट उसको ज्यादा बार बार मेन मेमोरी पर ना जाना पड़े और जो टाइम वेस्ट हो रहा है उस जो टाइम वेस्टेज है उस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए हम लोग कैश मेमोरी को यूज करते हैं। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि अगर हम बात करें तो हमने एक प्रोसेस देखी थी, पूरा एक एग्जीक्यूशन प्रोग्राम देखा था कि किस तरीके से मेरा प्रोसेसर सीपीयू जो है मेरा वो रजिस्टर से लेके और कैसे हम ऑक्सिलरी डिवाइस तक जाते हैं, पेरिफेरल डिवाइस तक जाते हैं और फिर वहां से मेरा कंटेंट किस तरीके से आता, तो कंप्लीट प्रोसेस हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं यहाँ पे। तो वही कुछ हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कैश इज अ टेक्निक ऑफ स्टोरिंग अ कॉपी ऑफ डाटा टेम्परेली इन रैपिडली एक्सेसिबल स्टोरेज मेमोरी। कैश स्टोरेज मोस्ट रिसेंटली यूज्ड वर्ड्स इन स्मॉल मेमोरी टू इंक्रीज द स्पीड इन विच अ डाटा इज एक्सेस्ड। इट एक्ट्स लाइक अ बफर बिटवीन द रैम और अ सीपीयू एंड दस इंक्रीजेज द स्पीड इन विच डाटा इज अवेलेबल टू द प्रोसेसर। अब यहाँ पे आएगा हमारे पास कि वेन एवर प्रोसेसर वॉन्ट्स टू राइट अ वर्ड इट चेक्स टू सी इफ द एड्रेस इट वांट्स टू राइट द डाटा टू इज प्रेजेंट इन द कैशे और नॉट। इफ एड्रेस इज प्रेजेंट इन द कैशे देन राइट हिट, अदरवाइज राइट मिस। तो यहाँ पे क्या हो रखा कि प्रोसेसर को जब चाहिएगा कि कोई वर्ड, जब प्रोसेसर को कुछ कोई वर्ड राइट करना है तो उस केस में क्या होगा कि प्रोसेसर पहले एड्रेस को चेक करेगा, अगर वो एड्रेस वहां पे मिल जाता है तो हमारे पास कैसे हिट हम जो बोलते थे तो उसको हम राइट हिट बोलते थे, वो अदरवाइज कैसे मिस टर्म हम लोग ना यूज की थी। वी कैन अपडेट द वैल्यू इन द कैश एंड अवॉइड एक्सपेंसिव मेन मेमोरी एक्सेस, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या लग रहा था, टाइम लग रहा था बहुत ज्यादा मेरे प्रोसेसर को मेन मेमोरी से डाटा लेने के लिए, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि हम मेन मेमोरी से वैल्यू को उठाते हैं एड्रेस के थ्रू और उस एड्रेस को, उस वैल्यू को हम अपने कैश के अंदर स्टोर करा के रख लेते हैं। बट दिस रिजल्ट्स इज इनकंसिस्टेंट डाटा प्रॉब्लम एज बोथ कैश एंड मेन मेमोरी हैव डिफरेंट डाटा, इट विल कॉज प्रॉब्लम इन टू और मोर डिवाइसेस शेयरिंग द मेन मेमोरी। अब यहाँ पे इसके रिगार्डिंग हम बात करें, हम ऑलरेडी थोड़ा सा डिस्कस कर भी चुके हैं पहले भी, कैसे कोहेरेंस एक प्रॉब्लम आई थी हमारे पास यूनिट नंबर 3 में और वहाँ पे हमने डिस्कस किया था और वो हमारा था लेक्चर नंबर 4, ठीक है। तो आप लोग वहां भी देख सकते हो कि किस तरीके से हमने वहां पे वर्क किया हुआ है कि कैसे हमारे पास वहां पे राइट थ्रू राइट बैक का हम लोगों ने कैसे किया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अपना राइटिंग टू अ कैसे के, जो हमने वहां पे डेफिनेशन पढ़ी है उसी को यहाँ पे देख रहे हैं हम भाई एग्जांपल्स के थ्रू थ्रू की किस तरीके से होगा हमारे पास। तो राइटिंग टू अ कैसे रेजेस सेवरल एडिशनल इश्यूज, जो हमने बात करी चुके हैं कि डाटा इनकंसिस्टेंट भी एक इश्यू है उसमें। फर्स्ट लेट्स एज्यूम दैट द एड्रेस वी वांट टू राइट इज ऑलरेडी लोडेड इन द कैश, वी विल एज्यूम अ सिंपल डायरेक्ट मैप्ड कैश। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं वैसे डायरेक्ट मैप्ड कैश के बारे में। अब यहाँ पे हो क्या रखा है, बेसिकली 111010 ये हमारे पास ये टैग नंबर है और 110 ये हमारे पास हमारा इंडेक्स है, तो इसको कंप्लीट जब हमने इसको यूज किया तो ये हमारा क्या बन गया, एक एड्रेस बन गया और इस पर्टिकुलर एड्रेस पे ये आपका डाटा है, तो ये डाटा यहाँ पे चला गया। डेट मीन्स ये हमने अज्यूम कर रखा सिंपल डायरेक्ट मैप में, डेट मीन्स कि ये जो ब्लॉक है ये कम्प्लीटली ब्लॉक मेरे पास यहाँ पे आ गया। इफ वी राइट अ न्यू वैल्यू टू द एड्रेस, अगर हम कोई नई वैल्यू यहाँ पे एड्रेस पे लिखते हैं तो वी कैन स्टोर द न्यू डाटा इन द कैश एंड अवॉइड एन एक्सपेंसिव मेन मेमोरी एक्सेस बट इनकंसिस्टेंट। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर मुझे इसकी जगह कोई नया डाटा यहाँ पे राइट ऑन करना है, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे कोई नया डाटा राइट ऑन करना है, तो हमने क्या कर दिया कि 42803 की जगह हमने लिख दिया 2176, तो ये हो गया डाटा इनकंसिस्टेंस प्रॉब्लम। तो ये जब हम अपने डाटा को मेन मेमोरी से कैसे के अंदर लेके आते हैं तो वहां पे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है डाटा इनकंसिस्टेंट की।
अब इसी के रिगार्डिंग हमारे पास यहाँ पे तीन चार चीजें जो हम लोग यूज भी करेंगे कि किस तरीके से वो होगा। तो फर्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे टेक्निक होगी वो होगा राइट थ्रू कैश। राइट थ्रू कैश में बेसिकली होगा कि जो आपकी इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम यहाँ पे बोल सकते हैं कि रिमूव हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको क्या रहेगा कि हमारे पास डाटा हमारे पास अब दोनों जगह सेम रहेगा। जैसे कि हमने भी बात की लास्ट टाइम में भी कि आपका एक पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस है कि 1111, तो 1111 हमने कहाँ से उठाया, यहाँ से, देन जीरो तो ये, और 1110 आपका इंडेक्स आ गया। यहाँ पे इंडेक्स पे क्या वैल्यू बढ़ रही है, 2173। अब फर्स्ट मेरा सीपीयू क्या करेगा, फर्स्ट मेरा सीपीयू जाएगा कैश के अंदर, वो वहां पे चेक करेगा कि वहां पे वो पर्टिकुलर जो एड्रेस मेरे प्रोसेसर ने सेंड किया, जो इंस्ट्रक्शन से पर्टिकुलर एड्रेस आया है, क्या वो मेरे कैश मेमोरी में है। अगर वो यहाँ पे है देन जो टर्म हमने यूज की थी राइट हिट, वो टर्म यहाँ पे यूज हो जाएगी। अगर अगर वो यहाँ पे नहीं होगा तो राइट मिस वाली हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारा प्रोसेसर क्या करेगा, मेन मेमोरी से डाटा को उठा के यहाँ पे स्टोर करा के रख लेगा। अब क्या हो रहा है कि जो हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी कि यहाँ पे 4283 था, और यहाँ पे जब हम चेक कर रहे हैं तो अब यहाँ पे इनकंसिस्टेंट वाली प्रॉब्लम हो गई है कि 4283 यहाँ मेन मेमोरी में है, और जबकि सेम एड्रेस पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो कैसे के अंदर कोई और डाटा है। तो अगर यहाँ पे जो ये प्रॉब्लम हो रही थी, इसकी वजह से एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी थी कि सपोज करो कि इस डाटा पे अगर मुझे कोई मेरा एक और यहाँ पे यूजर है, वो अगर इस पर्टिकुलर लोकेशन से डाटा को फेच करना चाह रहा है तो उसको ये डाटा मिलेगा ना कि ये, जबकि अगर एक पर्टिकुलर एक प्रोग्राम, एक बड़ा प्रोग्राम हमारे पास, अगर हम एग्जाम्पल की तरह बात करें तो एक प्रोग्राम का आपका है जिसके अंदर आपके ALU वगैरह मतलब अर्थमेटिक ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म होंगे, तो एक प्रोग्राम जो है, एक पार्ट जो है प्रोग्राम का, कुछ यूजर उस पे वर्क कर रहे हैं, कुछ यूजर यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो ये उनकी लोकल मशीन की कैश मेमोरी हो गई है, और ये मेन मेमोरी है जो कि सभी के सिस्टम के साथ शेयर्ड है, शेयरेबल है। तो यहाँ पे जो ये मशीन है वो एक यूजर एक्स के लिए, दूसरी जो कैश मेमोरी की है वो यूजर वाई के लिए। अब यूजर वाई को कौन सी वैल्यू चाहिए थी, 2163, बट उसको मिल कौन सी रही है, 4283, जिसकी वजह से हमारे पास कभी भी हमारा आउटपुट जो हमें चाहिए होगा वो कभी भी नहीं आएगा। तो ये प्रॉब्लम तो हमने जो है सॉर्ट आउट की बाई यूजिंग राइटिंग थ्रू कैश में। हमने क्या किया कि जब हमने यहाँ पे वैल्यू को एंटर किया है, उसी टाइम पे हमने अपनी मेन मेमोरी में भी वैल्यू को अपडेट कर दिया है, ठीक है। तो दिस इज द सिंपलेस्ट टू इम्प्लीमेंट एंड कीप्स द कैश एंड मेमोरी कंसिस्टेंट। लेकिन यहाँ पे एक दो आपके प्रॉब्लम क्रिएट होती है, फिर यहाँ पे जो एक इश्यू क्रिएट होगा वो क्या होगा आपकी परफॉर्मेंस का, मीन्स कि 21763 यहाँ पे है, 21763 यहाँ पे है। अब हमें क्या करना पड़ेगा मेरे प्रोसेसर को, अगर मान लो कोई दूसरी वैल्यू यहाँ पे करानी पड़ेगी तो उसको फिर दूसरी ब्लॉक यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, और फिर उस वैल्यू को भी अपडेट कराना पड़ेगा वहां पे। लेट मीन्स कि अगर यहाँ पे 21763 है सपोज, और यहाँ पे हमने मेरे प्रोसेसर को वैल्यू अपडेट करना चाह रहा है, डेट इज 763। अगर ये 763 अब मेरे यहाँ भी अपडेट होगी, डेट मींस कि अब ये काम यहाँ पे भी अपडेट हो रही है, यहाँ पे भी अपडेट हो रही है, तो दोनों जगह जब अपडेट हो रही है तो मेरा प्रोसेसर जो मेरे परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। और दूसरा एक प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे पास, जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी वो क्या होगी, बैंडविड्थ से रिलेटेड। जब मेरे पास यहाँ पे एक प्रोसेसर मेन मेमोरी से कनेक्टेड है तो यहाँ पे जो आपका बैंडविड्थ से रिलेटेड भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि उसको पर्टिकुलर स्पीडअप की जो प्रॉब्लम होगी, एक डिले होगा मेरे प्रोग्राम के अंदर, तो वो सारे के सारे इसके एज अ राइट थ्रू कैसे की डिसएडवांटेजेस हैं। राइट थ्रू कैसे के बाद हमारे पास आता है राइट बैक कैश। अब यहाँ पे क्या होता है कि द मेमोरी इज नॉट अपडेटेड अंटिल द कैश ब्लॉक नीड्स टू बी रिप्लेस्ड। जैसा ही कुछ हमने राइट बैक हमने कैसे कोहेरेंस में भी कर पढ़ा था कि वहां पे क्या हो रहा था कि मेन मेमोरी में वैल्यू अपडेट नहीं हो रही थी, और हम एक सिग्नल सेंड कर रहे थे नंबर ऑफ यूजर्स को कि वो वही वही वैल्यू यूज करे जो ऑलरेडी वहां पे मेन मेमोरी में। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी हमारा कि मेन मेमोरी के तब तक अपडेट नहीं होगी, तब तक वो ब्लॉक जो है वो रिप्लेस्ड नहीं होगा। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया हुआ है कि वी माइट राइट सम डाटा टू द कैश एट फर्स्ट। हमने किया क्या, पहले हमने यहाँ पे पहले क्या किया कि कुछ लिविंग इट इनकंसिस्टेंट विद द मेन मेमोरी एज शोन बिफोर। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमने जो डाटा को उठाया है कि हमने एक मेमोरी एलोकेशन है, ये था आपका एड्रेस, इस एड्रेस पे हमने जाके वैल्यू को चेक किया, तो वैल्यू जब आप चेक कर रहे हो तो 11010 डेट मीन्स ये, और इंडेक्स नंबर पे यहाँ पे कौन सी वैल्यू मिली है उसको, 4283। तो 4283 उठ के कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, हमारे पास यहाँ पे स्टोर हो जाएगी।
ठीक है, ये वाली वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो गई आपकी, यहाँ पे स्टोर हो गई है। अब यहाँ पे क्या हो रखा है, अब यहाँ पे दो वैल्यू आपकी अभी ये सेम है। इसके बाद द कैश ब्लॉक इज मार्क्ड डर्टी टू इंडिकेट दिस इनकंसिस्टेंसी। तो यहाँ पे आप एक एक्स्ट्रा फील्ड चेक करो, डेट इज डर्टी, जो कि हमारे पास यहाँ पे हमने यूज नहीं की थी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डर्टी डेट इज जीरो के लिए। तो जीरो का क्या यहाँ पे मीनिंग होगा आपका, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रखा है कि जो डर्टी बिट है वो आपकी क्या हो रखी है, जीरो। डेट मीन्स कि अभी ये मॉडिफाई नहीं हुआ इसमें। अब यहाँ पे क्या था, क्योंकि मॉडिफाई की इसलिए नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू तो 42803 वही यहाँ पे। अब हमें क्या करना है कि हमारे प्रोसेसर को इस वाली मेमोरी लोकेशन पे ये वाला जो डाटा है वो स्टोर कराना है। तो ये आपका सेकंड, द सब्सिक्वेंट रीड्स टू द सेम मेमोरी एड्रेस विल बी सर्विस्ड बाय द कैश व्हिच कंटेन्स द करेक्ट और अपडेटेड डाटा। अब यहाँ पे इसके बाद क्या होगा, अब हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो अपडेटेड डाटा था वो किसके थ्रू अपडेट हो रहा था, 21763। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 21763 जो डाटा है वो अपडेट हो गया। अब वी डोंट नीड टू स्टोर द न्यू वैल्यू बैक टू द मेन मेमोरी, जब तक हम उस डाटा को, इस कम्प्लीटली डाटा को तब तक यहाँ पे नहीं कराएंगे, तब तक हमारा कैश ब्लॉक कम्प्लीटली रिप्लेस्ड नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब 21763 को हम लोग रिप्लेस्ड करा रहे हैं कम्प्लीट ब्लॉक को, तो यहाँ पे ये वैल्यू आपकी अपडेट हो जाएगी। डेट मीन्स की जब तक मेरा इसका वर्क रहेगा तब तक मेरा प्रोसेसर इस पे एग्जीक्यूशन करता रहेगा, और जब एक टाइम के बाद वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट ब्लॉक मेरे पास स्विच मूव हो जाएगा मेन मेमोरी में। तो ऑन अ रीड फ्रॉम मेन मेमोरी दैट इज दिस ये वाला एड्रेस आपका विच मैप्स टू द सेम कैश ब्लॉक, द मॉडिफाइड कैश कंटेंट विल फर्स्ट बी रिटर्न टू द मेन मेमोरी। अब हमें क्या करना है, कैश ब्लॉक को रिप्लेस्ड करना है, तो यहाँ से ये वाला ब्लॉक जो होगा वो आपका रिप्लेस्ड हो जाएगा और यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अपडेटेड टू 21763। अब क्या होगा कि ओनली देन द कैश ब्लॉक बी रिप्लेस्ड विद द डाटा फ्रॉम एड्रेस 142। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि जब कोई नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आएगी, या कोई जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कोई भी आपके जो नेक्स्ट आपका इंस्ट्रक्शन हो गया, कोई भी स्टेटमेंट होगी वहां पे, तो उसके अकॉर्डिंग सपोज कि यहाँ पे हमने क्या क्या हुआ है कि अब ये वाला जो डाटा है वो हमारे पास यहाँ पे आएगा, तो अब इस पे प्रोसेसिंग होती रहेगी। आप देख रहे हो कि इस वाले ब्लॉक पे जो इंडेक्स नंबर हमारे पास 1 था और यहाँ पे डर्टी बिट जो सेट क्या हो गई थी 1, बिकॉज यहाँ पे वो क्या हो गई थी, मॉडिफाइड हो गई थी 21763 से। लेकिन जब आप यहाँ पे चेक कर रहे हो इंडेक्स बिट को, तो इंडेक्स पे जब चेक करो तो आपको 110 ही मिल रहा है, और यहाँ पे जो टैग नंबर है वो आपका चेंज हो रहा है इस टाइम पे। डेट मींस कि इस टाइम पे जो एड्रेस आ रहा है वो ये वाला एड्रेस है, और डाटा का आपका क्या है, 12254। वो डाटा जब 12254 यहाँ पे आएगा, तो एट दैट टाइम की जो डाटा हमारे पास दोनों जगह सेम है, तो डाटा बिट मेरे पास क्या रहेगी, जीरो, डेट इज नॉट मॉडिफाइड। तो ये आपका हुआ राइट बैक वाली कंडीशन। अब यहाँ पे राइट बैक के बाद आपके एक टर्म्स और यूज होगी, उससे पहले हम एक बार अपने पीपीटी पे चलते हैं। यहाँ पे हमने पीपीटी में डिफाइन किया हुआ राइट थ्रू और राइट बैक का वही कंसेप्ट कि हमारे पास ये मेन मेमोरी में कोई एड्रेस है आपका ये वाला, ये 100 हमारे पास आपका इंडेक्स हो गया, और ये आपका टैग नंबर हो गया स्टार्टिंग की बिट्स, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये वैलिड बिट रिप्रेजेंट कर रही है 1 को, 030 यहाँ पे आया, आपका पूरा का पूरा ब्लॉक यहाँ पे शिफ्ट हो गया। कोई डाटा लिखा जाएगा इस पर, जो भी वर्किंग होगी वो वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी। जैसे डाटा अपडेट हुआ मेमोरी पे इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, हमारे जो प्रोसेसर ने जो डाटा अपडेट करके दिया है, कोई भी कैलकुलेशन हुई उसके बिहाफ पे डाटा हमारे पास 2203 आ गया, तो 2203 मेरे पास इस एड्रेस पे जाके अपडेट हो जाएगा। तो ये तो था आपका राइट थ्रू वाला, जिसमें हमने कुछ एरर बात की थी कि क्या कुछ प्रॉब्लम, इट हेल्प्स इन डाटा रिकवरी के लिए, तो हमारे पास ये हेल्पफुल है, बट यहाँ पे डिले रहेगा। वी हैव टू राइट टू लोकेशंस, क्योंकि हमें डाटा जो है दो जगह राइट करना है, तो इसलिए हमारे पास परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी और मेरे प्रोसेसर में क्या हो जाएगा, आउटपुट डिले रहेंगे, ठीक है। उसके बाद था आपका राइट बैक। तो राइट बैक में हमने क्या देखा था कि हम जब 030 को यहाँ पे लेके आएंगे, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। आप यहाँ पे चेक करोगे तो 022203 जब यहाँ पे वर्क कंप्लीट हो जाएगा, अपडेट हो गया 2203 से, अब क्या होगा कि जब कंप्लीट ये डाटा रिप्लेस्ड हो जाएगा हमारे पास, हमने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि सम रिप्लेस्ड डाटा, तो वो रिप्लेस्ड किसके थ्रू हो गया, 2203 अब कहाँ पे अपडेट हो गया आपका, यहाँ पे मेन मेमोरी में। तो ये तो आपका था, और ये जो सारी की सारी चीजें आप लोग उसके अंदर अपना ओएस के अंदर पढ़ोगे, फिफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और LRU वगैरह एल्गोरिदम्स, तो ये सारी वर्किंग जो होती है वो जो एल्गोरिदम्स है उनके भी आप होते हैं। तो डर्टी बिट की हम बात कर रहे थे कि अगर मॉडिफाइड है, मॉडिफाइड हुई है तो हम उसको सेट टू 1 कर देंगे, और अगर नॉट मॉडिफाइड है तो उसको 0 रखेंगे वहां पे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास दो टर्म्स और होती हैं, दैट इज राइट एलोकेशन
एलोकेशन के केस में हमारे पास क्या हो रहा है बेसिकली कि इंस्टेड ऑफ लोड द न्यूली रिटर्न डाटा इनटू द कैशे, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये आपका कोई मेमोरी का एक एड्रेस दिया हुआ है जिसकी की नंबरिंग आपके पास ये है, जो कि आपको इंडेक्स नंबर और टैग नंबर से पता लगेगी। यहाँ पे जो डाटा है वो है 21764, ये यहाँ पे राइट डाउन है आपके लिए। इफ द डाटा इज नीडेड अगेन सून इट विल बी अवेलेबल इन द कैशे, दिस इज जनरली द बेसलाइन बिहेवियर ऑफ द प्रोसेसर। तो राइट एलोकेशन में बेसिकली क्या है कि जब भी मेरे प्रोसेसर को डाटा चाहिए होगा उसी टाइम पे वो मेन मेमोरी से डाटा उठाएगा और मेरे कैश मेमोरी के अंदर आ जाएगा और वो वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देख रहे हो आप, यहाँ पे क्या हो रहा है कि डाटा 2203 इज टू बी स्टोर्ड इन लोकेशन 1010 1100, ठीक है, ऑन अ राइट मिस। अभी यहाँ पे डाटा मिला नहीं है, डाटा नहीं मिला है तो डाटा यहाँ पे है, ये लोकेशन हमने एड्रेस दिया हुआ है कि 10 10 11 100 0 30। अब आफ्टर राइट एलोकेट में क्या होगा कि ये जो डाटा है यहाँ पे आपके जब प्रोसेसर ने वैल्यू दिया कि 22003 को अपडेट कर दिया, यहाँ पे ये वाली वैल्यू आपकी हो गई है इस पर्टिकुलर लोकेशन पे बाय यूजिंग द प्रोसेसर। अब क्या होगा जब मेरे प्रोसेसर को रिक्वायरमेंट रहेगी उसी टाइम पे वो पर्टिकुलर जो कैश के अंदर डाटा है वो मेमोरी के अंदर, और मेमोरी वाला डाटा जो अगर हमें यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे वो हमारे पास मूव ऑन हो जाएगा। वही थ्योरी यहाँ पे लिखी हुई है कि राइट एलोकेशन डाटा इज लोडेड फ्रॉम द मेमोरी इन टू कैश एंड देन अपडेटेड, मीन्स यहाँ से डाटा मेरे पास आएगा और उसके बाद हमारे पास वो अपडेट हो जाएगा। राइट एलोकेशन वर्क्स विद बोथ राइट बैक, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, और राइट थ्रू, दोनों के साथ हो सकता है, लेकिन बेसिकली ये राइट बैक के साथ होता है बिकॉज इट इज अननेसेसरी टू ब्रिंग डाटा फ्रॉम द मेन मेमोरी टू कैशे एंड देन अपडेटिंग द डाटा इन बोथ। कि हम इसको क्या करते हैं कि राइट बैक के साथ हम इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू राइट थ्रू में, क्योंकि राइट थ्रू में हमारे पास क्या था, हमें दोनों जगह वैल्यू को अपडेट करना होता है, लेकिन राइट बैक में हमें क्या है कि पहले प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद हम उस ब्लॉक को मूव करते हैं अपनी मेन मेमोरी में। तो इसलिए हम लोग ये जो हमारे पास राइट एलोकेशन थ्योरी है ये हमारा राइट बैक के साथ वर्क करता है। इट इज नेसेसरी टू कैसे एंड देन अपडेटिंग द डाटा, ये हमने डिस्कस किया। देन दस राइट थ्रू इज ऑफन यूज विद नो राइट एलोकेट, मीन्स जो नेक्स्ट आपका है दैट इज राइट अराउंड और नो राइट एलोकेट, उसके साथ हम लोग यूज करते हैं राइट थ्रू। तो राइट थ्रू के केस में हमारे पास क्या है कि डाटा 2203 को हमें राइट राइट करना है, तो यहाँ पे क्या होगा कि राइट थ्रू वाले केस में कि जब ये डाटा हमारे पास यहाँ पे अपडेट होगा तो मूव करेंगे हमारे पास राइट जब आफ्टर राइट अराउंड आपका जो प्रोसेस है वो रन हो रही होगी, तो आपकी जो वैल्यू है 22003 वो डायरेक्टली कहाँ पे आ जाएगी, आपकी मेन मेमोरी में अपडेट होने के बाद वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। हेयर डाटा इज डायरेक्टली रिटर्न और अपडेटेड टू द मेन मेमोरी विदाउट डिस्टर्बिंग द कैश, इट्स बेटर टू यूज दिस व्हेन द डाटा इज नॉट इमीडिएटली यूज्ड अगेन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें यहाँ पे इस पर्टिकुलर लोकेशन पे ये एड्रेस तो पड़ा, वैल्यू तो पड़ी हुई है आपकी इस एड्रेस पे, बट हमारे प्रोसेसर को 2203 टाइप करना है उस पर्टिकुलर लोकेशन में वो सेंड की है, तो मेरा प्रोसेसर क्या करेगा कैश को डिस्टर्ब ना करके डायरेक्ट मेन मेमोरी में उस लोकेशन पे उस वैल्यू को अपडेट कर देगा। और ये वाली प्रोसेस जो हमारे पास राइट अराउंड है, ये वाली प्रोसेस हम लोग बेसिकली इसलिए यूज करते हैं जब हमें ये वैल्यू जो है 2203 को बार बार यूज नहीं करना होता है, इमिडिएटली उस चीज को पर्टिकुलर डाटा को यूज नहीं करना हो, उस केस में हम लोग राइट अराउंड यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका एक और कंसेप्ट हमारे पास वो है, और हाँ ये दोनों जितनी भी हमने अभी तक कैसे राइटिंग टेक्निक्स करी है आप लेक्चर नंबर 4 जो कि यूनिट नंबर 3 में आपका, वहां से एक बार जाओगे तो वहां पे आपको कैसे कोहेरेंस प्रॉब्लम मिलेगी, उसका सिनेरियो यहाँ पे और इसका सिनेरियो दोनों का सेम है। वहां भी हम मेमोरी के अंदर राइट करते हैं कैश मेमोरी के अंदर, यहाँ भी हम लोग मेन मेमोरी से कैश मेमोरी के अंदर राइट करते हैं। वहां पे अभी आपके दो टर्म्स हैं राइट बैक राइट थ्रू और अपडेटेड और इनवैलिड, ऐसे करके दो वैल्यूज है वहां भी, तो वहां से आप और अच्छी तरह क्लियर कर सकते हो इस चीज को, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास कैश इनिशियलाइजेशन एक छोटा सा टॉपिक है कि किस तरीके से मेरे पास कैसे को हम इनिशियलाइज करते हैं। बेसिकली कैसे को इनिशियलाइज करते हैं, जब भी हम अपने सिस्टम को ऑन करते हैं व्हेन पावर इज अप्लाइड टू द कंप्यूटर मेन मेमोरी इज लोडेड विद द कंप्लीट सेट ऑफ प्रोग्राम्स फ्रॉम ऑक्सिलरी मेमोरी, मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि जो मेरे पास जब भी हमारे पास सिस्टम को हम ऑन करेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा कि मेन मेमोरी के अंदर हमें जो भी कंटेंट चाहिए वो सारे के सारे मेन मेमोरी के अंदर लोड हो जाते हैं, वो चाहे आपकी ऑक्सिलरी मेमोरी से हो या किसी भी थर्ड उससे हो, पेरिफेरल डिवाइसेस वगैरह से हो, तो जो डाटा हमारे पास मूव कराना है हमें वो हमारे पास मेन मेमोरी के अंदर मूव करा देते हैं। और हमने देख लिया कि हमने किस तरीके से हम लोग मूव कराते हैं बाय यूजिंग आईओ
मोड्स ऑफ ट्रांसफर जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किए हुए हैं, और एक वहाँ पे होती है हमारे पास वैलिड बिट, तो वो बताती है हमें कि जो कंटेंट जो वर्ड हमें चाहिए वो मेरे पास कैश मेमोरी में है, प्रेजेंट है या नहीं, या नहीं है। अगर वो कैश मेमोरी में वो वैलिड बिट से हमें मेरा डाटा होगा वहाँ पे, तो मेरा जो प्रोसेसर होगा कैश मेमोरी से डाटा उठाएगा, अदरवाइज जो मेरे पास कंप्लीट प्रोसेसर वो वहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस चलेगी। फिर मेरे पास जो मेरा प्रोसेसर है वो कैश मेमोरी के बाद चेक करेगा आपकी मेन मेमोरी को, मेन मेमोरी के बाद वो सेकेंडरी मेमोरी को चेक करेगा, और आपकी ऑक्सिलरी मेमोरी को चेक करेगा, फिर पेरिफेरल डिवाइसेस वगैरह से अगर उसको कहीं से डाटा लेना होगा तो वो वहाँ से डाटा लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये नियरली नियरली यूनिट नंबर 4, शायद एक क्लास और लगेगी उसमें यूनिट नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाएगी। तो यूनिट नंबर 3 और 4 से आपको असाइनमेंट नंबर 4 असाइनमेंट आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं, और असाइनमेंट नंबर 5th और 6th दोनों यूनिट का कंबाइन करके जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे मेंशन है। एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 1 जो कि यूनिट नंबर 3 से है, पाइपलाइनिंग एंड नॉन पाइपलाइनिंग, एक्सप्लेन पाइपलाइन हजार्ड्स, एक्सप्लेन पैरेलल प्रोसेसर, देन एक्सप्लेन कैसे मैपिंग टेक्निक्स जिसमें आपको तीनों डिस्क्राइब करनी है यहाँ पे डायरेक्ट भी, और आपके फुल एसोसिएटिव भी और के सेट एसोसिएटिव भी। उसके बाद आपका वर्चुअल मेमोरी है जो कि एक टॉपिक बचा हुआ है वर्चुअल मेमोरी, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और एक्सप्लेन आईओ ट्रांसफर्स, इनपुट आउटपुट ट्रांसफर, प्रोग्राम इंटरप्ट, इंटरप्ट इनिशिएटेड और डीएमए। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आप कोशिश करना कि डीएमए तो आपको यहाँ पे होना ही चाहिए। तो ये असाइनमेंट नंबर 5 और 6 है। इसके बाद हम फोर्थ यूनिट कंप्लीट होने के बाद करेंगे यूनिट नंबर 1 स्टार्ट। थैंक यू।